तो हेलो गाइस, आप सभी बढ़िया होंगे। मैं एक्सप्लोरिंग किताब सभी का स्वागत करता हूँ आपसे नए वाली वीडियो में। तो इस वाली वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आने लग रही हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बताने वाला हूँ कि एग्जाम फॉर्म आप लोगों को ऑफलाइन वगैरह कैसे सबमिट करना है। इसके बारे में आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बात कर चुका था। इस वाली वीडियो में जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम्स आने लग रही हैं एग्जाम फॉर्म में, ठीक है, एग्जाम फॉर्म में किसी का राष्ट्र गौरव से रिलेटेड नहीं आ रहा ऑप्शन, उस पर भी मैंने प्रीवियस कल वीडियो डाला था, और आज का क्या अपडेट है वो सारी चीज़ें जान लेते हैं। रिजल्ट्स वगैरह वो भी सारी चीज़ें इस वाली वीडियो में जान लेते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों का जो भी कंसर्न वगैरह है रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। जब कोई अपडेट आएगा आप लोगों को तुरंत बताया जाएगा। इसके बाद अब बात रही काउंसलिंग फॉर्म की, काउंसलिंग फॉर्म को कहाँ पर सबमिट करना है। तो काउंसलिंग फॉर्म में अगर आप लोग यूजी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को डीन ऑफिस में सबमिट करना है, और अगर आप पीजी के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को अपने अपने डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेटर, जो डिपार्टमेंट हेड हैं, वहाँ पे आप लोगों को सबमिट करना है। मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके सबमिट कर देना है। अब उसमें लगेगा क्या क्या, अब कॉमन सी चीज़ें उसमें ये हैं कि किन्हीं लोगों के जो छठे सेमेस्टर के आए हैं, मोस्टली पुराने बच्चे हैं, तो उनका सभी का यूडीआरसी ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। जब नए बच्चों का आएगा, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर वालों का आएगा यूडीआरसी का, तो उनको बताया जाएगा उनको यूडीआरसी पोर्टल कैसे बनाना है, और मैं आप लोगों को खुद ही वीडियो बना के बता दूंगा कि आप लोगों को कैसे यूडीआरसी पोर्टल बनाना है। यूडीआरसी पोर्टल एक बेसिकली स्टूडेंट का डाटा रखता है, और वहाँ से यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट एक मतलब रहता है, उनका आईडी एक पोर्टल रहता है, स्टूडेंट पोर्टल, जहाँ से वो फीस वगैरह सबमिट कर सकते हैं और अपनी डिटेल्स वगैरह तो वहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें वो लोग वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, तो वहाँ से फीस सबमिट होती है। अभी रिसेंटली बीएससी का जो डीन वाला जो आप लोगों का है ऑफिस है, वहाँ से एक नोटिस निकल के आई है, उसमें आप लोगों को बताया जो भी स्टूडेंट पाँचवें सेमेस्टर छठवें सेमेस्टर में आ गए उनको करना पड़ेगा काउंसलिंग फॉर्म लेके जाना पड़ेगा। काउंसलिंग फॉर्म एक क्या चीज़ होती है, बीएससी वालों का अलग ही चलता है, साइंस फैकल्टी में बीए में ये नहीं कराते हैं, लास्ट ईयर भी उन्होंने नहीं कराया था, ठीक है। तो इसका काउंसलिंग फॉर्म का क्या रहता है, यहाँ पर कैशियर ऑफिस में आप लोगों को 10 रुपये का फॉर्म मिल जाएगा, उनसे कह दीजिए, ठीक है। जितने पुराने बच्चे हैं सब जानते होंगे ऑलरेडी, काउंसलिंग फॉर्म लेना है आप लोगों को, और जो फिफ्थ सेमेस्टर की जो सिक्स सेमेस्टर की आप लोगों की जो फीस होगी, ठीक है, फिफ्थ सेमेस्टर की, वो आप लोगों को सबमिट करनी रहेगी। इसके अलावा आप लोगों को जो आप लोगों का रिजल्ट रहेगा फिफ्थ सेमेस्टर का, वो आप लोगों को लगाना रहेगा, ठीक है। फिफ्थ उसमें सिक्स सेमेस्टर की फीस लगेगी या फिफ्थ सेमेस्टर की फीस लगेगी, उसमें नीचे नोटिस में देखिए लिखा हुआ होगा कि फिफ्थ की देनी है या सिक्स की देनी है। अगर फिफ्थ की सबमिट नहीं हुई तो फिफ्थ की लगेगी, ठीक है, और आई थिंक फिफ्थ की हो गई होगी, सिक्स की अब चाहिए होगी, या जो भी आप लोगों का रहा होगा वो उसमें नोटिस में लिखा हुआ है, नोटिस भी यहाँ पर लगा दूंगा, तो उसमें जाके देख लीजिएगा। ये तीन चीज़ें आप लोगों को लेके जानी है। जिन भी स्ट्रीम्स के आप लोगों के आ चुके हैं, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म, उन सभी की डेट आप लोगों की 31 मई है, ठीक है, और लेडी पोर्टल खुला हुआ है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है जिनके बीएससी सिक्स सेमेस्टर में या बीए सिक्स सेमेस्टर में जिनके भी बैक पेपर है, ठीक है, जिन्हें इंप्रूवमेंट देना है, उनके में प्रॉब्लम आ रही है, उनका रोल नंबर एरर दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने टेक्निकल टीम से जो वहाँ पर कॉन्टेक्ट दिए रहे थे वहाँ पर बात की थी, तो उन्होंने कहा है वेबसाइट पर अब अपग्रेडेशन का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, डाटा धीरे धीरे डाला जा रहा है, जो आप लोगों के जो पुराने जो आप लोगों के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका डाटा इसलिए एरर बता रहा है या रॉन्ग रोल नंबर करके वहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि वो डाटा वहाँ पर नहीं है, खाली करंट बच्चों का डाटा उन्होंने डाला है, ठीक है। तो उसमें प्रोसेस में टाइम लग सकता है, और बाकी टेक्निकल हेल्पलाइन नंबर मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और कल के भी वीडियो में मैंने दिए थे, तो वहाँ पे जाके आप लोग कॉल कर सकते हैं, और ईमेल पे के थ्रू भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं उन लोगों से, वो आप लोगों को बता देंगे कि अभी का क्या स्टेटस है और कितने दिन में ये आप लोगों की सही हो सकती है, ठीक है, और डेट एक्सटेंड भी हो सकती है जिस तरह से आप लोगों का यहाँ पे इश्यू चलने लग रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आप लोगों का 31 मई तक आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करना है जो अभी तक का स्टेटस है, और 2 तारीख तक आप लोगों को 2 जून तक आप लोगों को ऑफलाइन सबमिट करना है हर हाल में डीन ऑफिस में, अपने रिस्पेक्टिव डीन ऑफिस में या डिपार्टमेंटल हेड ऑफिस में आप लोगों को सबमिट करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, फी रिसिप्ट लगेगी आप लोगों का, और जो आप लोगों का प्रीवियस रिजल्ट आया है फिफ्थ सेमेस्टर मोस्टली ऑलमोस्ट आ चुका है, जिनके भी फॉर्म आए हुए तो उन सभी का रिजल्ट आ चुका है, बीएड का भी आ गया था, बीए का भी आप लोगों का आ चुका है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा जिन जिन कोर्सेज का मोस्टली का आ चुका है जहाँ तक, तो और बीटेक वगैरह में आई थिंक अभी तक नहीं आया है, ठीक है, तो बिना रिजल्ट के तो वो सबमिट नहीं होगा, कॉमन सी बात है, तो रिजल्ट उसको जारी करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, और जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म का प्रोसेस भी ऐसे ही आप लोगों का डिले होता रहेगा, ठीक है। तो यही अपडेट है अभी तक, बाकी जिनके में राष्ट्र गौरव का ऑप्शन नहीं आने लग रहा है वो आप लोगों का कॉन्टैक्ट करिए, कल भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए थे, आज भी आ रहे हैं, ठीक है। यही मेजर प्रॉब्लम है आप लोगों का, जिन लोगों के इम्प्रूवमेंट है, बैक पेपर है, उनका ऑप्शन वहाँ पे शो नहीं हो रहा है, रोल नंबर वहाँ पे रॉन्ग बता रहा है, ठीक है।
तो यही आप लोगों का अपडेट है, बाकी एक ही उसका सॉल्यूशन है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया है। आप दिए गए कॉन्टैक्ट पे वहाँ पे जैसे ही एग्जाम फॉर्म का पोर्टल आप लोग खोलते हैं वहाँ पे नीचे दो नंबर दिए गए हैं, एक ईमेल आईडी दिया गया है, वहाँ पे जाके आप लोग कॉन्टैक्ट करिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, रिजल्ट आप लोगों के मे भी हो सकता है जून में आप आएँ, ठीक है, टाइम अभी लग सकता है, कोई कन्फर्म डेट मैं नहीं बता सकता हूँ। तो होपफुली वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।